नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है भक्ति योग। भक्ति योग में सबसे पहले हम भक्ति का अर्थ जानेंगे, उसके बाद परिभाषा, भक्ति योग के मूल तत्व है, भक्त के प्रकार है और भक्ति के प्रकार के बारे में जानेंगे संक्षिप्त रूप से। तो सबसे पहले भक्ति का अर्थ है सत्य को बुद्धि से नहीं हृदय से पाना, विचारों से नहीं भाव संवेदना से पाना, तथा चिंतन से नहीं प्रेम से पाना। भक्ति शब्द जो है वह संस्कृत के भज सेवायाम धातु से क्विन प्रत्यय लगाकर बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा, पूजा, उपासना और संगीतीकरण आदि। परिभाषा हम जानेंगे तो पहली परिभाषा है नारद स्तुत दर्पिता खलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। मतलब नारद जी कहते हैं कि अपने समस्त कर्मों को भगवान में अर्पित कर देना तथा भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर नितांत व्याकुल होना हो जाना ही पराभक्ति है। इसके अलावा गर्ग ऋषि क्या कहते हैं कि काय दिविश्वति गर्ग, मतलब भगवान के दिव्य गुण कथन के श्रवण आदि में अनुराग का होना ही भक्ति है। इसके बाद हम भक्ति योग के मूल तत्व के बारे में जानेंगे। पहला जो तत्व है वह है प्रेम। प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में किसी से कुछ पाने की लालसा नहीं रहती। तो प्रेम जो है वो पूर्णतः समर्पित, वो भक्ति योग का एक मूल तत्व है। दूसरा है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा, श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम, ऐसा कहीं कहा गया है। तो श्रद्धावान जो व्यक्ति होता है उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर में संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगला है समर्पण भाव, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना, संपूर्ण सर्वस्व ईश्वर के ऊपर समर्पित कर अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के ही आलंबन से व्यतीत करना, यही समर्पण भाव का मुख्य उद्देश्य है। तो भक्ति योग के चार मूल तत्व है। इसके बाद भक्त के प्रकार हम जानेंगे। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। यानी कि चार प्रकार के भक्त श्री कृष्ण ने बताए हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ वो होता है जिसका सुख संपत्ति लुट चुकी हो और उसे वो पाना चाहता हो, उसने जो खो दिया है उसे पाना चाहता हो, वो है आर्थ। अर्थार्थी जो होता है वह उसके पास धन संपदा और संपत्ति तो होती है लेकिन वो और पाना चाहता है, वो अर्थार्थी है। कुछ पाने की जिज्ञासा हो, पाने की इच्छा हो जिसमें वो। और अगला है जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होता है जो ईश्वर या ब्रह्म को जानना चाहता है। और चौथा जो आखिरी है ज्ञानी। ज्ञानी जो है वो ईश्वर को जान तो चुका होता है, ईश्वर के उस अस्तित्व को जान चुका होता है, उनकी महिमा को जान चुका होता है, उनके भजन में सतत लगा रहने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी होता है। अगला है भक्ति के प्रकार। भक्ति के जो प्रकार है वो दो प्रकार बताए गए हैं मुख्य रूप से। पहला है पराभक्ति और दूसरा है अपराभक्ति। तो पहले हम अपराभक्ति जान लेंगे। तो अपराभक्ति में पहला है वैदी भक्ति और रागात्मिका भक्ति। वैदी भक्ति है नवदा भक्ति, ईश्वर का श्रवण करना, यानी कि वेद शास्त्र और ईश्वर से जुड़े हुए वाक्यों को कथन को सुनना, यह है श्रवण। कीर्तन जो है ईश्वर के बारे में गुणगान करना, ईश्वर का कीर्तन कर, ठीक है। अगला है स्मरण, यानी कि सतत ईश्वर को ध्यान करना। पाद सेवन, यानी कि ईश्वर की सेवा में सतत लगे रहना। अर्चन वंदन जो है, अर्चन का मतलब होता है पुष्प फूल के द्वारा ईश्वर की पूजा करना, और वंदन का मतलब होता है कि मंत्रों का, वेद मंत्रों का के द्वारा ईश्वर का भजन करना। अगला है दास्य। दास्य यानी कि ईश्वर जो है वो हमारे स्वामी है और हम उनके दास है, ऐसा ही भाव मन में रखकर अपनी पूजा करना। अगला है साख्य, एक सखा भाव, जैसे कि सुदामा जी का भाव जो था वो सखा भाव था श्री कृष्ण के प्रति। अगला है आत्मनिवेदन, अपने आप को संपूर्णतः ईश्वर को समर्पित करना। अगला है रागात्मिका भक्ति। इस नवधा भक्ति से जो भक्ति योगी ऊपर उठ जाता है और जिस प्रकार ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है, ईश्वर की आराधना में लगा रहता है, साधना में लगा रहता है, तपस्या में लगा रहता है, वही रागात्मिका भक्ति कही जाती है। और जब ये अपराभक्ति में परिपूर्ण होके परिपक्व हो जाता है व्यक्ति, तो वो पराभक्ति में लीन हो जाता है। पराभक्ति जो होती है वह उच्च अवस्था को माना जाता है भक्ति की। तो इस प्रकार हमने भक्ति योग से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदुओं को आपके सामने रखा।
आशा करते हैं कि आपको यह संक्षिप्त जानकारी पसंद आई होंगी। अगले भाग में हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।